क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो यस, इस चैप्टर को आज हम लोग इस वन शॉट में कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। इसके की पॉइंट्स एंड इसके मेन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। एंड अगर आप लोग ने भी जस्ट अभी अपनी क्लास 12 स्टार्ट कर लिया एंड आप लोग अपने फिजिकल एजुकेशन के लिए एक बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं कि आप लोग किस बुक से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, तो यस, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पे ओसवाल की बुक, जिसके अंदर आप लोगों को काफी सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मैं आपको हाईलाइट करता हूं। सबसे पहले इसके अंदर आपको माइंड मैप्स मिलने वाले हैं, सेकंड इसके अंदर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं, थर्ड इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट के पूरे एक शॉर्ट समरी एंड साथ में साथ लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, एंड साथ ही साथ सीबीएसई के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। एंड ये मैं नहीं, 80% ऑफ स्टूडेंट्स इस बुक को सजेस्ट कर रहे हैं आपके फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो चलिए हम लोग अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, जहाँ पे हम लोग एक, मैं आपको शॉर्ट रेफरेंस देता हूँ कि इसके अंदर हम लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे कि वो किस तरीके से स्पोर्ट मैनेजमेंट होता है एंड उसकी कौन सी कम्युनिटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फिर फीचर ऑफ टूर्नामेंट्स देखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फिर सीडिंग बाय और उसके एडवांटेज, फिर है आपका जो कि होता है फिक्स्चर्स इन द नॉकआउट टूर्नामेंट्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग एंड साथ ही साथ इसके कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे इस एक सिंगल वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, लेट्स स्टार्ट। तो यस, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 मेजरमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो पहला इसका है कि प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? सो प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अकॉम्प्लिश देम। यस, आप भी प्लान करते होंगे अपने कुछ भी, आप लोग जैसे स्टार्ट करने वाले होते होंगे अपना, चाहे अब वो सिलेबस हो या फिर कुछ भी आप स्टार्ट करते हैं, देन आप भी एक छोटी सी बहुत प्लानिंग करते हैं कि हम लोग किस तरीके से उसको सोचें एंड किस तरीके से उसको हम लोग अकॉम्प्लिश करें। एंड फिर इस प्लानिंग में इम्पॉर्टेंट क्या क्या हो जाते हैं, वो होती हैं आपके इम्प्रूविंग द सक्सेस रेट, कि जो अगर प्रॉपर प्लानिंग है तो क्या क्या करेगा, आपके सक्सेस रेट को बढ़ाएगा। सेकंड, कंप्लीटिंग द टास्क विद इन द गिवन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के साथ साथ उसे कंप्लीट भी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट होता है फिक्सिंग आउट कॉजेज ऑफ फेलियर, एंड आप अगर फेल भी हो रहे हो तो वो कॉजेज कौन से हैं उनको भी फाइंड करने में वो हेल्प करेगा। एंड फिर फोर्थ होता है वर्किंग एफिशिएंटली। तो यस, आप लोग अगर वर्क करेंगे एफिशिएंटली से तो फिर क्या होता है, यहाँ पे प्लानिंग जो होती है आप लोग उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। एंड फिर फिफ्थ होता है आपका रिमेनिंग विद इन द बजट वाइल अचीविंग द प्री डिटरमाइंड टारगेट्स। प्री डिटरमाइंड टारगेट्स को बजट में कैसे हम लोग इसे रिमेन करते हैं वो भी बताता है। एंड फिर आता है आपका फंक्शंस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेप्स। सो स्टेप्स हम लोग देखते हैं, सबसे पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर तीसरा होता है स्टाफिंग एंड फिर डायरेक्टरिंग एंड फिर है कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग वही अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड डिसाइड वॉट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, वैन इट टू बी डन एंड बाय हुम इट टू बी डन। यस, ये पूरे इंटरलिंक्ड आपकी डेफिनेशन आप लोग इसे पढ़ोगे एंड आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। फिर सेकंड आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जैसे मैनेजमेंट फंक्शन होता है जो कि असाइनिंग करता है आपके ड्यूटीज से साथ, ग्रुप टास्क के साथ एंड एटैब्लिशिंग अथॉरिटीज एंड अलॉल, वो क्या करता है, जो अलर्टिंग होता है रिसोर्सेज टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान के लिए, ठीक है। एंड फिर थर्ड आता है आपका स्टाफिंग। सो दिस फंक्शन इज द कॉन्सर्ट विद फाइंडिंग द राइट पर्सन हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन फॉर द राइट पोजिशन एट द राइट टाइम। यस, देखिए ये भी इंटरलिंक्ड है कि राइट टाइम के लिए राइट पोजिशन, राइट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ये होता है आपका स्टाफिंग। एंड फिर फोर्थ होता है आपका डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है आप सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग द कम्युनिकेटिंग विद द सबऑर्डिनेट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यस, एंड फिर फोर्थ होता है आपका कंट्रोलिंग। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व एटैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, measuring current performance, comparing it with the established standards and taking corrective actions and if there are any significant deviation between the actual and the planned performance। so ये होता है controlling, कि आप किस तरीके से उस performance मतलब उसके अंदर जो भी actions हो रहे हैं, जो भी work हो रहा है, उसको आप किस तरीके से control करते हैं। plan में controlling बहुत important होता है। फिर इस flow chart के through आप लोग भी इसे देख सकते हैं कि various जो sport communities होते हैं and उसके responsibility को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। एंड हम लोग भी इस पर आप डिटेल में बात करते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज, ठीक है, कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो प्रेस मीडिया कमेटी, प्रेस मीडिया कमेटी क्या करता है, आपके इसकी ड्यूटी होती है कि आप ये पब्लिश करेंगे एंड एडवर्टाइज करेंगे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह। एंड फिर सेकंड होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिटी,
ठीक है, कमेटी, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि नेसेसरी आपके अरेंजमेंट होते हैं किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो ये देखते हैं। फिर आता है आपका इक्विपमेंट कमेटी, जिसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ग्राउंड लिंग और जो ट्रैक व्रैक लगता है उसके लिए। एंड फिर आता है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट, तो ये कमेटी देखती है आपके टेक्स द चार्ज ऑफ सप्लाइंग रिफ्रेशमेंट और ड्रिंक्स टू द गेस्ट ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटिटर्स को, ये देखते हैं। एंड फिर फोर्थ आता है आपका डेकोरेशन एंड द सेरेमनी कमेटी, तो ये मेंबर होते हैं दिस कमेटी के जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू वेलकम द चीफ गेस्ट एट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द स्पोर्ट इवेंट्स। तो ये स्पोर्ट इवेंट्स में जो भी होता है चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं वो ये देखते हैं। फिर आता है आपका रजिस्ट्रेशन कमेटी, तो ये रजिस्ट्रेशन कमेटी क्या होता है, ये सेंड एन एंट्री फॉर्म्स टू द वेरियस इंस्टीट्यूट अर्ली, ठीक है, एंड इट आल्सो अरेंज सीट्स फॉर गेस्ट एंड द इंस्पेक्टर्स एंड इट समटाइम्स आल्सो प्रिपेयर फिक्चर्स ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। सो फिक्चर्स जो है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा था। फिर है आपका क्या है टेक्निकल कमेटी, सो टेक्निकल कमेटी क्या होता है, ये सेलेक्ट करते हैं वेरियस ऑफिशियल्स, अच्छा जो रेफरी होते हैं, जजेस होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, आप लोग देखते होंगे क्रिकेट अगर मैं बात करूँ तो, या फिर और भी जितने स्पोर्ट्स होते हैं आपके, जैसे कि कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल कमेटी देखती है। फिर है अनाउंसमेंट कमेटी, तो ये कमेटी क्या करती है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पोर्ट इवेंट, जितने भी अनाउंसमेंट वगैरह होते हैं ये देखते हैं। एंड फिर आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी, सो ये कमेटी प्रोवाइड करती है फर्स्ट एड एंड जो भी मतलब अगर कोई स्पोर्टमैन यहाँ पे जो भी विक्टिम वगैरह है वो इंजर्ड हो जाता है, यस इफेक्ट हो जाता है। एंड फिर है फॉर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स मीट्स कमेटीज, मतलब कमेटीज आर फॉर्म्ड अंडर द थ्री हेड्स जो कि होते हैं, एक है प्री मीट कमेटी, फिर है लाइकली जो कि होती है आपकी क्या पब्लिसिटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट, एंड फिर आता है रिफ्रेक्शन, ठीक है, रिसेप्शन कमेटी। ड्यूरिंग मीट कमेटीज लाइक रिफ्रेशमेंट, ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्ट कमेटी, पोस्ट मीट कमेटी लाइक अवार्ड कमेटी, ठीक है, ऐसे होता है आपका कि ये सारी चीज़ों को मिला के आपके जो भी होते हैं एक कमेटी की हर चीज़ के लेके कमेटी आपकी बनी हुई है। अब आता है फिक्चर्स एंड टूर्नामेंट्स, सो टूर्नामेंट्स क्या होता है, टूर्नामेंट्स इज ए कॉम्पिटिशन हेल्ड अमंग वेरियस टीम इन द पार्टिकुलर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड शेड्यूल, और जहाँ पे ये डिसाइड करते हैं डिसाइड ए विनर, और वहाँ पे डिसाइड भी करते हैं विनर को। अब होता है इंट्रामुरल, ठीक है, इंट्रामुरल टूर्नामेंट, यस सॉरी वो बाय मिस्टेक हो गया था। सो इंट्रामुरल इज ए मेड अप ऑफ द टू वर्ड, एक होता है आपका इंट्रा जिसका मीन होता है इनसाइड, एंड फिर दूसरा होता है आपका मुरल मीन्स जो कि वॉल, जो अगर हम लोग लैटिन वर्ड से देखें तो, यानी इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स आर द टूर्नामेंट्स विच हेल्ड इनसाइड द फोर वॉल्स, यानी फोर वॉल्स के अंदर जो ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि अगर हम लोग देखें स्कूल्स, यस फॉर एग्जांपल इंटर हाउस कंपटीशन, आप लोगों के भी स्कूल्स में होते होंगे कि आपके 3 से 4 हाउसेज होते हैं एंड फिर उनके बीच में इंटर कंपटीशन होता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि टू डेवलप फेयर अमंग द एथलीट्स, अब ये जो पॉइंट्स हैं ना इसके ऑब्जेक्टिव्स एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी हम लोग बात करेंगे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड जो डेफिनेशन हम लोग बात कर रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके इस पूरे के पूरे जो भाई हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो पहला है कि टू डेवलप फेयर प्ले अमंग द एथलीट्स, ठीक है, फिर सेकंड है इम्प्रूव द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड थर्ड है टू टीच दैम द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, ठीक है। अब हम लोग इसके एडवांटेज के बारे में बात करें तो एडवांटेज क्या होते हैं कि हेल्प करते हैं हमें डेवलप करने में लीडरशिप क्वालिटी, मतलब क्वालिटी में, एंड सेकंड है न्यू टैलेंट कैन बी स्पॉटेड, अगर कोई भी न्यू टैलेंट होता है वो भी स्पॉट होता है इसके अंदर। और फिर आता है आपका डिसएडवांटेज, तो इसमें क्या होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन इज ऑफ, और मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि होता है कॉम्पिटिशन का इज नॉट ए हाई स्टैंडर्ड, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना मतलब कॉम्पिटिशन का वो एक हाई स्टैंडर्ड नहीं होता, क्योंकि ये क्या है आपके स्कूल लेवल पे हो रहा है, ठीक है। एंड फिर सेकंड है कि स्कूल एंड परफॉर्मेंस जो है प्लेयर का आर ऑफ ए नॉट ए हाई स्टैंडर्ड, वो भी हाई स्टैंडर्ड का नहीं है, ये इसके मतलब डिसएडवांटेज होते हैं। फिर है एक्स्ट्रा मूलर टूर्नामेंट, ये क्या होते हैं वर्ड, यानी कि एक्स्ट्रा आउटसाइड एंड मूरल यानी वॉल्स लैटिन में, तो इसका मीनिंग क्या होता है, अब आपके जो भी मतलब होंगे टूर्नामेंट्स वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होंगे, यानी स्कूल्स के आउटसाइड होंगे, जैसे कि आपके बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं किसके बीच में, आपके 2 स्कूल्स के बीच में, यस जिसमें 2 स्कूल इन्वॉल्व रहते हैं एंड आप लोग बास्केटबॉल का जो भी होता है टूर्नामेंट्स होता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि टू इनकरेज ए हेल्थी लाइफ स्टाइल थ्रू द प्रिपरेशन
सॉरी पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, एंड फिर सेकंड होता है आपका टू डेवलप द स्किल्स एंड टेक्निक्स इन ए रेंज ऑफ द स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड होता है आपका टू इंक्रीज स्पोर्टमैनशिप एंड टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग द स्कूल एक्सेट्रा वगैरह। एंड फिर अगर हम लोग इसके एडवांटेज की बात करें सो कि जो टैलेंट है आपका प्लेयर्स के वो हम लोग टेस्ट करते हैं। सेकेंड है कि हेल्प करता है टू डेवलप द स्पोर्टमैनशिप एंड द फ्रेटर्निटी, ठीक है। एंड फिर अगर हम लोग इसके बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में हम लोग देखें तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके कि ओनली ए फ्यू प्लेयर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। अब इसके अंदर क्या होता है कुछ फ्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। एंड फिर सेकंड हम लोग देखें सो कॉम्पिटिशन डैट टेक्स प्लेस मे बी फार फ्रॉम द स्कूल, वो स्कूल से क्या होता है दूर होता है, एंड विच मे प्रिवेंट द स्कूल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट्स में क्या होता है एक्स्ट्रा जो मूलर होते हैं इसमें दूसरे कहीं पे मतलब दो स्कूल होते हैं एंड वो कुछ एक प्लेस डिसाइड करते हैं, या क्योंकि ये आउटसाइड होता है तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि स्कूल मना भी कर देता है कि यस हम लोग नहीं जा रहे बिकॉज लोकेशन का यहाँ पे जो भी होता है उनका फार और नियर का उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। एंड फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपके जो कि वेरियस मेथड्स हैं किसको एक टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए विच डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर। जैसे कि अगर हम लोग देखें अगर आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं मतलब पार्टिसिपेटिंग टीम्स ज़्यादा है तो क्या होगा ऑफकोर्स टूर्नामेंट पे अफेक्ट पड़ेगा, वो भी फिर क्या होता है मेथड हो जाते हैं कि हम लोग एक टूर्नामेंट को किस लेवल पे ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। फिर सेकंड होता है आपका फैसिलिटीज़ क्या है ग्राउंड की, फिर है आपका कि इक्विपमेंट्स एंड नंबर ऑफ ऑफिशियल्स अवेलेबल जो भी है वहाँ पे, ठीक है। एंड फिर फोर्थ है आपका डे इन विच द टूर्नामेंट इज टू बी कम्प्लीट एंड कितने डेज में वो टूर्नामेंट कम्प्लीट होगा। एंड अब हम लोग बात करें सीडिंग के, तो सीडिंग क्या है, सीडिंग इज ए प्रोसीजर बाय विच गुड टीम्स आर प्लेस इन द फिक्चर्स एंड सच ए वे डैट द स्ट्रॉन्गर टीम्स डू नॉट मीट ईच अदर एट अ वेरी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। सीडिंग कैन बी डन Only if the standard of the teams are known before the tournament start. So ये होता है आपका एक सीडिंग कि जहाँ पे एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे गुड टीम्स मतलब प्लेस होती है फीचर्स में एक ऐसे वे में कि स्टैंडर्ड टीम्स जो है वो मीट ना मतलब करती ही नहीं है उससे, मतलब अगर स्टार्टिंग में देखें तो इसे हम लोग सीडिंग कहते हैं। सो बाई, अब बाई क्या होता है एक प्रिविलेज गिवन होता है टीम को विच इज डिसाइडेड जनरली बाई सीडिंग, जिससे हम लोग देखते हैं कि कौन सी स्ट्रॉन्गर टीम है एंड कौन सी आपके मतलब वो आपके जो कहते हैं ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर एंड थोड़ी सी वीक टीम है उसको देखते हैं, एंड जो आपके और जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स होते हैं वो सारे इसमें बाय में देखते हैं। फिर नॉकआउट्स और एलिमिनेशन टूर्नामेंट्स, तो ये क्या होता है कि एक टाइप होता है एलिमिनेशन टूर्नामेंट्स का वेयर एक लूजर ऑफ ईच ब्रैकेट इज इमीडिएटली एलिमिनेट कर दिया जाता है, कहाँ से फ्रॉम द टूर्नामेंट। जैसे आप लोग सुनते होंगे काफ़ी सारे मैचेस में भी कि नॉकआउट हो गया एलिमिनेट कर दिया उसको, यस। तो एक इन सच ही टूर्नामेंट इफ द नंबर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स और कम्पीटिंग टीम्स आर नॉट ए मल्टीपल ऑफ टू देन सम टीम्स मे बी गिवेन ए बाय, यानी बाय यस बाय कर दिया जाता है एंड सम टीम्स आर गिवेन बी सीडिंग। तो यानी अगर कुछ ऐसा होता है कि इवन नहीं बनता जैसे कि एक में 10 हो रहा है एक में 11, तो ऐसा नहीं होता तो उन्हें या तो बाय कर दिया जाता है एंड या फिर उन्हें सीडिंग दे दी जाता है। अब इससे एडवांटेजेस क्या होते हैं आपके देखें तो हम लोग एडवांटेजेस क्या होते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होने एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, एंड फिर ओनिंग टू लेसर नंबर ऑफ मैचेस एंड इट टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट एंड कम टाइम में आपका टूर्नामेंट भी कंप्लीट हो जाता है एंड इट हैव टू इनहेंसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स को भी इनहेंस करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि जो गुड टीम्स होते हैं कैन गेट एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस इवन इन द फर्स्ट राउंड, अगर उनका मतलब गुड टीम है वो कोई एंड वो फर्स्ट राउंड में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है देन फिर क्या होता है वो भी एलिमिनेट हो सकती है, ये इसके डिसएडवांटेज है नॉकआउट और एलिमिनेशन अगर होता है एक टूर्नामेंट में तो। सो देयर आर द मैक्सिमम चांसेस ऑफ वीक टीम टू एंटर इनटू द फाइनल राउंड, सो जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि छोटी मतलब वीक टीम को भी वो एंटर कर जाए एक फाइनल राउंड में अगर अगर जो आपके स्ट्रॉन्गर टीम है वो मतलब बाय लक उनका बैड परफॉर्मेंस रहता है उनके फर्स्ट राउंड में तो। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपके क्या कि लीग जो आपके लैगी होते हैं ठीक है लीग्स होते हैं और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स होते हैं। तो एक लीग क्या होता है टूर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ द टूर्नामेंट इन विच ईच जो आपके कंटेस्टेंट होते हैं मीट करते हैं अलग
किसके साथ, अदर जो वो आपके कंटेस्टेंट्स होते हैं इंटर्न, ठीक है, इन विद द टाइप ऑफ टूर्नामेंट देयर हैज टू बी सफिशियंट टाइम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट, एंड काफी ज्यादा टाइम रहता है आपके इस टूर्नामेंट को कंप्लीट करने में। एंड टाइपर्स क्या होते हैं, टाइप्स, ठीक है, तो सिंगल लेग यू होता है, ठीक है, सिंगल लीग होती है एंड डबल लीग भी होती है, ठीक है, लेग यू बोलो लीग बोलो आप अपने आप से देख लेना उसे, ठीक है, सो मैं दोनों ही बोल रहा हूँ। खैर, इन ए सिंगल लीग राउंड रॉबिन शेड्यूल ईच पार्टिसिपेंट्स प्ले करते हैं विद एवरी ऑर्डर पार्टिसिपेट वर्थ द नंबर ऑफ मैचेस एंड प्लेड इन इक्वल टू, तो ये एक फॉर्मूला टाइप से हमें देते हैं एन एन प्लस वन एंड यस, अगर ऑड और इवन का सच काइंड ऑफ सिचुएशन होता है देन यू हो जाता है, तो वेयर एन इज द नंबर ऑफ द टीम्स, जो टीम्स होती हैं वो। एंड डबल लीग में क्या होता है, If the participant play with the other twice, and this is called a Robin Double League tournament, so number of matches played is equal to the n minus 1, where n is a number of teams. तो यहाँ पे n का n एक number of teams है, and ये दो formula, एक single league के लिए and एक double league के लिए, तो ये आप अपने हिसाब से लर्न कर लीजिए। एंड फिक्चर्स क्या होते हैं कि एवरी टूर्नामेंट इज रेंज, वो मतलब अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू सेट ए प्रोड्यूस, मतलब प्रोसीजर के साथ, जिसको हम लोग फिक्चर्स कहते हैं, ठीक है, फिक्चर। एंड फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट्स द प्रोसीजर जो होता है टू ड्रॉ द फिक्चर, ठीक है, इज थ्रू बाय एंड सीडिंग, ये सीड और बाय के मतलब थ्रो होता है। एंड फॉर लीग टूर्नामेंट द प्रोसीजर टू ड्रॉ फीचर्स इज थ्रू द स्टेयर केस एंड द साइक्लिक मेथड। एंड अब अगर आप लोग लीग में देखेंगे तो इसमें जो प्रोसीजर्स होता है वो होता है आपके एक स्टेयर केस का एंड एक साइकिल मेथड का, ठीक है, साइक्लिक मेथड का। एंड द सक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट डिपेंड अपॉन द प्लानिंग ऑफ द सुटेबल फिक्चर्स। एंड फिर आता है आपका टूर्नामेंट आर प्लेज इन ए वेरियस फॉर्म ऑफ फीचर्स, ठीक है ये। एंड अगर हम लोग बात करें फीचर्स एंड द नॉक आउट टूर्नामेंट्स, ठीक है, अगर हम लोग इसको भी देख लेते हैं फटाफट से, तो सीडिंग मेथड में होता है कि यहाँ पे सीडिंग इज अ प्रोसीड्यूर बाय विच द गुड टीम्स आर प्लेज इन द फिक्चर्स इन ए सच ए वे डैट द स्ट्रॉन्गर टीम डू नॉट मीट ईच अदर एट अ वेरी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट एंड इट डन टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स, जो होते हैं आपके ड्रॉबैक्स ऑफ ए सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट्स के लिए, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके वो होते हैं हेल्पफुल। फिर है सीडिंग कैन बी डन ओनली इफ द स्टैंडर्ड ऑफ ए टीम आर नोन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट एंड द ड्रॉ मे, और फिर क्या होता है, द ड्रॉ में रिजल्ट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स एट अर्ली लेवल कॉम्पिटिशन, सो दे आर सीडेड टू बी प्रिवेंट दिस। द टॉप कॉम्पिटिशन डू नॉट मीट अंटिल द क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल एंड फाइनल राउंड। मतलब ये क्या होता है, एक फीचर्स एक नॉकआउट टूर्नामेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे सीडिंग मैथड होता है। एंड फिर आता है आपका स्पेशल सीडिंग, ठीक है, सो स्पेशल सीडिंग में क्या होता है कि एक मेथड होता है ऑफ सीडिंग का इन विच प्लेयर्स ऑफ द टीम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है क्वार्टर फाइनल में और सेमी फाइनल मैचेस में, दस अवॉइडिंग देयर पार्टिसिपेशन इन द इनिशियल राउंड्स में, वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो उसे हम कहते हैं स्पेशल सीडिंग, ठीक है। एंड फिर बाय मेथड से अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या आता है कि सम टीम्स में गेट बाय इन द फर्स्ट राउंड बाय विच दे गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट राउंड बाय कॉम्पिटिशन, दिस मे बी गिवन एज ए रिवॉर्ड फॉर देयर सम प्रीवियस अचीवमेंट्स बाय, ठीक है, अब बाय आर द गिवन इन द फर्स्ट राउंड, वो फर्स्ट राउंड में भी दे सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ द बाय स्टैट शुड बी गिवन इन ए टूर्नामेंट डिसाइडेड बाय द फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीम्स, जो कि है एंड नेक्स्ट पावर ऑफ टू, ठीक है। अब फिर है आपका क्या है, आपका अब है मेन इंपॉर्टेंट जो कि है कम्युनिटी स्पोर्ट प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है, एक आपका होता है हेल्थ रन, स्पोर्ट डे, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेशल फिक कॉज, एंड फिर है रन फॉर यूनिटी। इसको हम लोग फटाफट से करते हैं एंड आपका ये चैप्टर एंड। यस, तो देखते हैं हेल्थ रन क्या होता है कि इन हेल्थ रन पीपल केम टूगेदर एज दे रियलाइज कि इट इज समथिंग दे मस्ट परस्यू द बेटरमेंट फॉर देयर हेल्थ, फॉर हेल्थी फ्यूचर जनरेशन एंड फॉर ए हेल्थी सोसाइटी, ठीक है। एंड फिर स्पोर्ट डे में क्या होता है, स्पोर्ट डे इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेज ऑफ द ईयर ऑफ मोस्ट स्कूल एंड द पीपल्स, यस ऑफ कोर्स हमारे लिए भी था जब हम थे। एंड इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफाइंग द टैलेंट एंड ऑल्सो हेल्प टू डेवलप द स्पोर्ट्स कल्चर। स्पोर्ट डे हेल्प स्टूडेंट टू शो देयर टैलेंट एंड गेट रिस्पेक्ट फॉर देयर एबिलिटीज एंड दे मे ऑल्सो लर्न अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस of the sports। And run for fun क्या होता है कि in a run for fun people came together and run for
रिक्रिएशन द पर्पस बिहाइंड दिस रन इज गेट रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेस फॉर सम टाइम्स रन, ठीक है. एंड रन फॉर फन हेल्प क्या करता है, डेवलप ए स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप एंड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रन फॉर हेल्थ इज बींग टू बी अवेयरनेस आउट टू द कम्युनिटी रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द आपके इनकॉर्पोरेटिंग ए हेल्थी लाइफ स्टाइल. लाइक जैसे कि अगर हम लोग बात करें आपके ईटिंग हेल्थी डाइट, द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैलेंस डाइट, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स. एंड आप क्या रन किसी एक स्पेसिफिक कॉज के लिए क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है रन ऑफ द स्पेसिफिक अवेयरनेस इज टू ब्रिंग अवेयरनेस टू द कम्युनिटी रिगार्डिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लाइक eating a healthy diet and the importance of a balanced diet, the exercising regularly, playing sports, preventing diseases and awareness of the causes, symptoms and treatment of diseases like AIDS and malaria. ठीक है, ये होता है. एंड फिर आपका लास्ट द रन ऑफ यूनिटी. रन ऑफ यूनिटी मतलब रन फॉर यूनिटी. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रन फॉर यूनिटी इज टू मेक द पीपल अवेयर from the importance of unity among the people of a nation or the world, even if their caste, religion, status, etc. And it's different. This run aims to spread the concept and unity is strength. It helps in the promoting the brotherhood, cooperation, ठीक है, cooperation, friendship and etc. तो ये होता है आपका run for unity. तो इन सारे points and पूरा का पूरा chapter एक one shot में finish करते हुए ये chapter होता है. एंड अगर आप लोग इस मतलब जो अभी हम लोगों ने रिकमेंड किया था उस वाल बुक, इससे अगर आप लोग इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज गो थ्रू कर लोगे, आई मतलब मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि आप लोगों का ये फुल ऑफ फुल चैप्टर क्लियर हो जाएगा. बिकॉज इस बुक के अंदर आपके वेड शॉर्ट शॉर्ट्स एंड लॉन्ग सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं विद माइंड मैप, सॉल्व पेपर एंड CBSE जो आपके क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करते हैं उसके साथ. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तो चलिए तब तक ले, ओके, टाटा, टेक केयर.